सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं और वो काफी फेमस भी हो चुके हैं। इन वीडियो पर खूब बहस भी हो रही है। कुछ लोग बाबा के दावों पर सवाल खड़े करते हैं तो कुछ बाबा को चमत्कारी मानते हैं। हालांकि बागेश्वर बाबा पर लोगों की राय काफी बटी हुई है, लेकिन जादू के धंधे से जुड़े सभी लोग बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक ट्रिक मास्टर बताते हैं। दरअसल अलवर के गोपाल टॉकीज में जादू का शो कर रहे मशहूर जादूगर शिव कुमार भी बाबा बागेश्वर के चमत्कारों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि शिव कुमार खुद कहते हैं कि लोगों के मन की बातों को समझना और जानना एक कला है। जादूगर शिव कुमार का कहना है कि बागेश्वर बाबा जिसे चमत्कार बता रहे हैं उस कला को वो 25 साल पहले से दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि साधना व निरंतर अभ्यास से हासिल की जाने वाली जादू की ट्रिक है। जादूगर शिव कुमार ने बताया कि वो भी अपने शो के दौरान एक सेशन रखते हैं जिसमें भीड़ में बैठे लोगों को बुलाकर उनसे जुड़ी जानकारियां पल भर में जान लेते हैं और बता देते हैं। शिव कुमार का कहना है कि जो लोग दूसरों के मन की बात बताने का दावा करते हैं ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक कला है। दरअसल शिव कुमार ने कहा कि जादूगर एसोसिएशन ऐसे चमत्कार को लेकर एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जादूगरों की सालों पुरानी कला है। सोशल मीडिया के जमाने में युवाओं और अन्य लोगों में आज भी जादू देखने को लेकर क्रेज है। जादूगर शिव कुमार ने बताया कि शहर के गोपाल टॉकीज में चल रहे मैजिक शो सोमवार से शनिवार तक दो शो चल रहे हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 6:30 बजे तक शो का समय है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा की आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि जादूगरों की बातें कुछ अलग रहती हैं। बाबा ऐसी कई वीडियोस में अपना चमत्कार दिखा चुके हैं। ये बात आस्था की है, ये बात विश्वास की है, और बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझ पर विश्वास करें। बाबा सिर्फ अपने दरबार में लोगों के मन की बातों को उजागर करते हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।